हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जलसा कहाँ था? ये तो जीत थी, पूरे पाकिस्तान की जीत थी। जीत पंजाब में हुई है, मना हम यहाँ रहे क्योंकि हमें पता है कि हम सब कप्तान के खिलाड़ी हैं, पूरा पाकिस्तान कप्तान के साथ है। इमरान खान के बारे में क्या कर रही है? इमरान खान इज द प्राइड ऑफ आवर नेशन एंड वी लव हिम, ही इज द सुपर हीरो एक्चुअली, और हम बहुत खुश हैं कि वो आ गए और बस हम देख रहे हैं कि बस आ गए। अब क्या देखें, हम बताएं आप पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? पाकिस्तान को मैसेज देना चाह रही हूँ कि भाई कभी भी नहीं झुके और हमेशा सर बुलंद करके जिए। इमरान खान ने बहुत कुछ किया है और बहुत चेंजेस लाए हैं, तो आई होप कि इमरान खान वापसी आए और ये सफाई और ये यहाँ के नाले साफ करवा दे सबसे पहले। इमरान खान बहुत अच्छे लीडर हैं और हम इमरान खान के साथ हैं, और बच्चे को पता है कि इमरान खान बच्चे को पता है कि इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान एक बहुत अच्छे लीडर हैं, बाकी सारे चोर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज अभी आए हम तीन तलवार पे। आज इमरान साहब का यहाँ पे यौम तशक्कर है और बहुत बड़ा अहतमाम किया जा रहा है, तो अभी हम वहाँ पे इसकी कवरेज के लिए आए हैं। तो पूरा पाकिस्तान उमड़ के आ गया, पूरा कराची यहाँ पे आया हुआ है, ये तीन तलवार का इलाका है। तो अभी हम कुछ लोगों के व्यू लेते हैं, लोग इसे जलसे के बारे में क्या कह रहे हैं। जी जहाँ भी हो पाकिस्तान की जीत है, और इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि इमरान खान फिर एज ए प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ आए। अभी आप और कौम को क्या मैसेज देना चाह रही हैं? कौम को बस यही मैसेज देना चाह रही हैं कि जो ईमानदार है, जो सच्चा है, हमारा लीडर है इमरान खान, उनका साथ दे, उनको अकेला ना छोड़े, बहुत हिम्मत कर रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं पूरी कौम के लिए। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर इमरान खान, और वी आर वेरी हैप्पी हम उनकी जीत सेलिब्रेट करने के लिए आज आए हुए। जो दूसरे लीडर थे हमारे मरियम नवाज है, जरदारी साहब, उनके बारे में क्या फरमा रहे हैं? बस फ्लॉप हो गए, अब उनकी क्या बात करनी। अब आए सेलिब्रेशन के लिए, क्या इसके लिए बोल रहे हैं? बस सर देखने आए थे, माशाल्लाह हम अपना यौम तशक्कुर मनाने आए थे। अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी कामयाबी से पीटीआई को नवाजा है, और इंशाल्लाह हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड विद पीटीआई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। हमें वही चाहिए जो पाकिस्तान के लिए मुहिब वतन हो और पाकिस्तान की बेहतरी चाहते। तो दूसरे सियासतदान वो क्या थे? दूसरे सियासतदान 70 साल से काम कर रहे हैं। सॉरी दोबारा बोलिए। जो दूसरे सियासतदान थे वो क्या कर रहे थे, उनके लिए क्या? देखिए साहब, उनके लिए हमारा कोई वो नहीं, ठीक है उन्होंने चलाया, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। बोलना चाहूँगी जो पुराने सियासतदान हैं उनको इमरान खान से अब कुछ सीख लेना चाहिए कि लीडर कैसा होता है। लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के जैसा होता है, दैट्स इट। मरियम नवाज भी तो लीडर है? नहीं, मरियम नवाज बिल्कुल भी लीडर नहीं है, लीडर नो वे। इमरान खान की तरह के लोग होते हैं जो इतनी बड़ी कौम को यूनाइट कर लिया उन्होंने। लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान, दैट्स इट। आप क्या मैसेज देना चाह रही पाकिस्तानी कौम को? मैं मेरा ये मैसेज है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें और वोट दें, सिर्फ और सिर्फ वोट सिर्फ इमरान खान का, पाकिस्तान जिंदाबाद। दूसरे लीडर के बारे में क्या करें? वो सारे बोले बोले वो सारे क्या है? दूसरे लीडर्स क्या है मैं आपको बताऊं? ये भी नहीं, बल्कि कुछ भी नहीं है, दूसरे लीडर्स है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, खत्म, कुछ भी नहीं है। हमें क्या होता है दूसरे लीडर का? कराची के खुले में गटर, खुले में गटर आजकल। इमरान खान, भाई इमरान खान, हम लोग बहुत खुश हैं और अब सेलिब्रेट कर, हम अपने ड्राइवर के साथ आए हैं, उसको बहुत खुशी है, हम उसको लेकर आए हैं यहाँ पे, वो आगे चला गया, वो तो नजर ही नहीं आ रहा कहाँ गया, हम तो ढूंढ रहे हैं उसको, किधर गया पागल। इमरान खान का पागल है वो, और हम भी साथ में। क्या वजह, क्या वजह? गुड लुकिंग है, नहीं पर्सनैलिटी है, बस
पर्सनालिटी की बात तो अलग है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो भी अच्छा करेगा वो पाकिस्तान तो उसी को सपोर्ट। नहीं, वो लेडीज के लिए क्यों ज्यादा, वो लेडीज ज्यादा उसको क्यों करती है? लेडीज नहीं, मैं मेरे ख्याल से तो हर बंदा उसको करता है, जितनी यूथ है वो करती है। यूथ क्यों करती है? क्योंकि वो पढ़े लिखे, उनको पता है कि करप्शन से पाकिस्तान नहीं चलेगा, पाकिस्तान एक अच्छे इंसान से ही चलेगा। थैंक यू। मैं इंशाल्लाह मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूं। ये चोरों का जो गवर्नमेंट था वो खत्म हो गया पंजाब से, और इस खुशी में हमने तीन तलवार में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें हमने जो है भरपूर शिरकत किया। पूरे मेरे पास दोस्त भी है, पूरे जितने भी हमारे लेडीज है बच्चे जो सब ने जो है शिरकत किया, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, और सबसे ज्यादा आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप इसमें जो है टाइम दे रहे सबको। हमें इसकी खुशी में खुश रहना चाहिए, और जो जो भी हमें तकलीफ़ें आएंगी आने वाले दिनों में, हमारी तकलीफ़ें मिलेंगी, हमें इसको सब्र तहमुल के साथ इसका मुकाबला करना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तान के बारे में? लालच को पैसे दे, पाकिस्तान तो सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम है, हमारा मुल्क है तो हम है, हम इसके बगैर कुछ नहीं। सारे चोर, वो जरदारी साहब वो भी चोर है, वो अपना ये मरियम नवाज वो भी चोर है, तो भी बोलना चाह रहे हैं, बोलो ये भी बोलना चाह रहे हैं, इमरान खान हमारे लीडर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और बाकी सारे चोर हैं, और ये जो नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं ये सबसे बड़े चोर हैं। क्यों चोर, कैसे तुम्हारे को कैसे पता चोर हैं? क्योंकि इन्होंने पैसे चुराए हैं, इन्होंने पैसे चुराए हैं। तुम्हारे को कैसे पता चला चोरी तो नहीं की इन्होंने? हम अपने पैर पे खड़ा, इन्होंने पाकिस्तान की कौम के पैसे चुराए। देखे इमरान खान ने आके लोगों को शऊर दिया, आवाम ऐसे निकली है, आवाम ये मजमा आवाम का नहीं है, ये कौम बन के निकली है। इमरान खान हक सच के साथ, इसीलिए हम इमरान खान का साथ दे रहे हैं। धमकी आया अमेरिका से, पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं यूथ को? जंग में शामिल हो जाएं, बस यूथ को यही कहना चाहूंगा कि पिछले 30-35 साल से यही दो गवर्नमेंट्स आ रही है, इस बार 5 साल के लिए नहीं, अगले 10 साल के लिए खान साहब को मौका देके पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। मतलब ये नया बंदा नहीं है, ये पुराना है इमरान खान, और कायदे आजम के बाद कोई लीडर आए ना तो वो इमरान खान है जो कि चेंज करेगा इंशाल्लाह। ये ईमानदार लीडर है, ईमानदार, ये सच्चा लीडर है, ईमानदार सच्चा लीडर है। ये दूसरों से हम मुतमिन नहीं थे? नहीं, वो सब चोर डाकू थे, इसलिए हम उनसे मुतमिन नहीं थे, हमारी ज़िंदगी उन्होंने तबाह बर्बाद कर दी थी। नसरों में न लाए वफातुन करीब, दूसरी है कि मोहम्मद से वफातुन है तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो अल्लाह ताला ने इमरान खान को फतह नसीब की, मैं इमरान खान को अगर आप मेरी बात पहुँचा दें तो मैं उन्हें कायद अजम सानी का खिताब देना चाहती हूँ, हमारी तरफ से उनके लिए कायद अजम सानी का खिताब ही जचता है उनके लिए। आगे देखें, इमरान खान की तरफ देखें, और अपने अल्लाह की तरफ देखें, और अपने वतन की तरफ देखें, ये मेरा पैगाम है। शर्मिंदा होना पड़ा कि जब ये खजाना खाली को छोड़ के चले गए थे, आपको पता है सबसे बड़ा खसारा ये छोड़ के गए थे, करंट अकाउंट डेफिसिट जिसे कहते हैं 2018 में, तो मुझे मजबूरन जाना पड़ा अपने दोस्त में इंसाफ, मतलब कानून की हुक्मरानी, मतलब के कानून के सामने सब एक बराबर। असल में जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक हदीस है वो सब कुछ कह जाती है कि
हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और कल इमरान खान की जीत हुई और आज हम यौमे तशक्कुर बनाने आए हैं। और मैं एक शेर कहना चाहूँगी, उस वक्त कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी, आज इस मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है। इमरान खान कैसे लीडर हैं? बहुत अच्छे लीडर हैं। और बाकी 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 चोर हैं, बाकी चोर है, कौम को लूट गए वो। तुम्हारे को कैसे पता चला? वो पैसा चोरी करके गए पाकिस्तान का। जी जनाब, ये और भाई साहब हैं, ये भी अपने व्यू देना चाह रहे हैं, आज के जलसे के बारे में बताएं। देखिए खान साहब कॉल देते हैं तो लोग खुशी से निकलते हैं। मैंने इस तकरीब की एक अहम बात देखी है और वक्तन फवक्तन हम देखते रहते हैं कि हम बचपन से कौमी तराना सुनते आए, लेकिन यहाँ पर जब कौमी तराना बजता है तो लोगों के जो दिल हिलते हैं कि अंदर से एक पाकिस्तानी जो जागती है, उसकी मिसाल मैंने किसी भी जगह पे नहीं देखी। और सबसे बड़ी बात कि खान साहब, मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि मैं ज़ाती राय अपनी देता हूँ कि खान साहब मौजूदा ज़मीन पर इस वक्त सबसे बड़े लीडर हैं। क्योंकि जलसे के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इमरान खान की कॉल पर लोग आए और बड़ी तादाद में आए हैं, अच्छी बात है, लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। ये वो लोग हैं जो इसे दुरुस्त समझते हैं और इसके साथ आए हैं और ये इनकी पॉलिटिकल चॉइस है। और ये इमरान खान के लिए यहाँ तो निकले, लेकिन जिस तरह से 17 जुलाई को निकले थे पंजाब के उन 20 हलकों में, उसने हमारे यहाँ का पॉलिटिकल सीन चेंज किया है। उस पॉलिटिकल सीन चेंज होने की वजह से आज ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है, ये मुमकिन हुआ है। तो इट वॉज वन वर्सेज ऑल, इमरान खान एक तरफ, 14 जमातें एक तरफ, और फिर उन 14 जमातों के साथ उनको सपोर्ट हासिल थी नादीदा कुव्वतों की, जो नज़र नहीं आते उनकी सपोर्ट, तो इसलिए ये सब कुछ हुआ है। इमरान खान साहब का उसके बारे में क्या व्यूज देंगे आप? मैं और पारी पूरी आवाम जो है बहुत खुश है और उसकी खुशी का इजहार करने यहाँ पे आए हैं। हमारा आहिस्ता करके चोरों डाकुओं लुटेरों की हुकूमत से जान छूट रही है और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ये सब के सब अपनी चॉइस का इजहार करने आए हैं। यानी जिस सबको यहाँ पे मौका मिला है कि लोग आप जो जिसको वोट देना चाहते हैं, जिसके सपोर्टर बनना चाहते हैं, उसकी फेवर में आके यहाँ पर सब मौजूद हैं यहाँ पर। तो ये मेरा ख्याल 70 साल के बाद कौम को असल लीडर मिल गया। बिल्कुल ऐसा हुआ है, क्योंकि आपको भी पता है कि पहले जो कुछ होता रहा है वो या तो डर की वजह से होता रहा है, खौफ की वजह से होता रहा है, लोग सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन ये वाला जो मामला है हमारे इमरान खान साहब का, इसमें सब मोहब्बत करते हैं, दिल से चाहते हैं और सबकी ख्वाहिश है कि दोबारा इनकी हुकूमत आए और इंशाल्लाह दोबारा हुकूमत आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।